एक जंगल के घने वृक्ष की शाखा में घोंसला बनाकर गोरैया का जोड़ा रहा करता था। वर्षों से वह वहां सुख का जीवन व्यतीत कर रहे थे। ठंड का मौसम था। गोरैया का जोड़ा अपने घोंसले में बैठा आराम कर रहा था, तभी अचानक ठंडी हवा के साथ बारिश शुरू हो गई। ऐसे में कहीं से एक बंदर आया और उस डाल पर बैठ गया जहां गोरैया के जोड़ों का घोंसला था। बंदर ठंड से ठिठुर रहा था। ठिठुरन के कारण उसके दांत खिटखिटा रहे थे। बंदर के दांतों की खिटखिटाहट सुन गोरैया ने अपने घोंसले से बाहर झांककर देखा। बंदर को बारिश में भीगता देख वह स्वयं पर नियंत्रण नहीं रख पाई और पूछ बैठी, कौन हो तू? इतनी बारिश में यहाँ डाल पर क्या कर रहे हो? क्या तुम्हारा कोई घर नहीं? गोरैया की बात सुनकर बंदर चिढ़ गया, किंतु उस समय वह किसी बात पर उत्तर नहीं देना चाहता था। वह चुप रहा। बंदर को चुप देखकर गोरैया का हौसला बढ़ गया और लगी वह अपनी सलाह देने, लगता है तुम्हारा कोई घर नहीं, तभी इस बरसात में भींग रहे हो। तुम्हारा चेहरा तो मानव जैसा है, शरीर से भी हष्ट पुष्ट लगते हो, ऐसे में अपना घर बनाकर क्यों नहीं रहते? अपना घर न बनाना मूर्खता है। उसका फल देखो, तुम बारिश में बैठे ठिठुर रहे हो और हमें देखो, हम सुख से अपने घोंसले में बैठे हैं। ये सुनना था कि बंदर क्रोध से लाल पीला हो गया। उसने गोरैया के घोंसले को तोड़ दिया। मूर्ख को परामर्श देने का फल गोरैया को मिल गया। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि परामर्श उसी को दो जिसे वास्तव में उसकी आवश्यकता हो, वह उसका मूल्य समझेगा। मूर्ख को परामर्श देने पर हो सकता है उससे दुष्परिणाम भोगना पड़े। फ्रेंड्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी? आप अपने कमेंट के द्वारा हमें अवश्य बताएं। वीडियो पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसे ही और फेमस स्टोरी देखने के लिए हमें सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स।